एक सामान्य कार्यक्रम पहले यहां चलता था, लेकिन हम जैसे 2014 में आए और संयोग से 2014 के वर्ष में यहां प्रधानमंत्री जी भी आए, नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने वक्तव्य दिया कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। तभी एक प्रेरणा मिली कि हम क्यों नहीं इस कार्यक्रम को और बड़ा करें, न केवल हरियाणा तक सीमित हो, न केवल अपने देश तक सीमित हो, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी इस गीता का सार, क्योंकि किसी एक समाज के साथ बंधा हुआ नहीं है, किसी एक धर्म के साथ, किसी एक पूजा पद्धति के साथ, किसी एक ऐसे वर्ग के साथ ये गीता का सार बंधा हुआ नहीं है, मानवता के लिए है। दुनिया को भी गीता के माध्यम से बहुत कुछ बता सकते हैं। धीरे धीरे उसका स्वरूप बढ़ना शुरू हुआ और आज बहुत से देश ऐसे हैं जिनके यहाँ प्रतिनिधि ये शामिल होते हैं, वहाँ के कलाकार आते हैं और कलाकारों के माध्यम से यहाँ बहुत सी कृतियाँ जो हैं वो की जाती हैं। अभी जो मुझे जानकारी दी गई है उसके अंदर 3700 से ज़्यादा कलाकार, जो स्वदेश के भी होंगे विदेश के भी होंगे, वो सब यहाँ आने वाले हैं, बड़ी संख्या है। 21 स्कल्पचर यहीं बनाएंगे जो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, ये सब महाभारत से संबंधित होंगे। तो महाभारत से संबंधित बड़े बड़े म्यूजियम उनको बनाने का भी आगे विचार चल रहा है। ज्योतिषर के अंदर एक 200 करोड़ रुपए की लागत लगा करके हम महाभारत के एक जो आज के हिसाब से जैसे यानी ऑनलाइन यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से उन कथाओं का वर्णन करने के लिए और उस प्रकार का एक स्कल्पचर ये बनाए जाएंगे। 75 ख्याति प्राप्त चित्रकार गीता विषय और महाभारत दृष्टांत से 3 दिन तक यहाँ पेंटिंग करेंगे। ये सब भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग आएंगे। तो एक प्रकार से धीरे धीरे इसका स्वरूप जो है वो राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय ये बनता चला जा रहा है। और न केवल यहाँ पर गीता महोत्सव, बल्कि विदेशों में भी गीता महोत्सव की परंपरा एक हमने शुरू की है। 2019 में मैं स्वयं गया था स्वामी जी के सानिध्य में मॉरिशियस में, और गीता उत्सव ये मनाया गया, और बाद में इंग्लैंड में भी, लंदन में भी ये मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया का कार्यक्रम तय हो गया था, लेकिन संयोग से उसी समय ये कोविड नाम की बीमारी आ गई मार्च 2020 में, इसलिए उसको स्थगित करना पड़ा। तो ये सारे देश यानी विदेशों में भी ये सारे कार्यक्रम करने की जो परंपरा हुई है इसका एक धीरे धीरे विस्तार होता जा रहा है। ये समय जो है हमारा, ये पिछले 2016 से 2021 मात्र 5 साल या छठा ये उत्सव, इतना मात्र नहीं है, बल्कि आगे चल करके वर्षों के बाद ये एक ऐसा युग माना जाएगा कि गीता के प्रचार प्रसार को किस समय सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। 5000 साल पहले गीता का अपना एक संदेश सुनाया गया, लेकिन उसको आज भारतवर्ष में, आजाद भारत में गीता का उपयोग कितना है, ये याद से शुरुआत करके विदेशों तक ले जाने के लिए ये समय ये जाना जाएगा, याद रखा जाएगा। और अभी जैसे आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात आई तो उसकी झलक भी यहाँ मिलेगी। आखिर हमारे बलिदानियों ने, हमारे देश की आज़ाद कराने वाले लोगों ने, उन्होंने भी गीता का संबल इस नाते से कितना उसका उपयोग किया है, इसका भी एक प्रयोग होगा। और लगातार जैसे कल से 2 दिसंबर से ये कार्यक्रम शुरू होंगे, 19 दिसंबर तक चलेंगे। प्रमुख कार्यक्रम जो है वो 9 से लेकर 14 तक, क्योंकि 14 तारीख गीता जयंती का दिन है, तो उस दिन तक ये जो 6 दिन का कार्यक्रम, उसमें अलग अलग प्रकार के सब कार्यक्रम होंगे। ऑनलाइन भी बहुत लोग जुड़े हैं, अभी 25 से ज्यादा देशों के लोग, जिसमें अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, ऐसे 25 से ज्यादा देशों के लोग, लगभग 3.5 लाख लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से इस सारे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। और अभी यानी जो वेबसाइट बनाई है उस वेबसाइट को भी 2,30,000 से ज्यादा लोगों ने अपडेट किया है, 38 लाख हिट्स आए हैं उसके ऊपर। अर्थात गीता का कितना लोग ग्रहण कर रहे हैं इस गीता के विषय को, ये इन आंकड़ों के माध्यम से अपने को पता लगता है। एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 21 नवंबर से ये शुरू की गई है, इसमें भी 8 दिसंबर तक ये चलेगी। अभी तक 55,000 से ज्यादा लोगों ने इस पर अपना पंजीकरण कर लिया है, और इस प्रतियोगिता में श्लोक्स बोलने का, लिखने का, वो जो सारी प्रतियोगिताएं हैं उसके माध्यम से इन सब लोगों को
एक अवसर जो है वो मिलेगा। यही जो भ्रम सो रहा है, इसके चारों तरफ स्टॉल्स लगाने के लिए दुकानें बनी हुई हैं, तो वहां पर शिल्प पर जो सरस मेला होगा उसमें तो 400 के आसपास ये सब दुकानें हैं, शायद ज्यादा होंगी, एक छोड़ के एक छोड़ के एक दे रहे हैं, इस बार 800 के लगभग है, एक छोड़ के एक दे रहे हैं ताकि कोविड के उस सारे लिमिटेशन का उसमें भी ध्यान रखा जा सके। तो इस प्रकार ये जो गीता महोत्सव का जो कार्यक्रम है, हवन और यज्ञ के साथ कल ये शुरू होगा। संस्थाएं जो है ये सब इसमें भाग ले रही हैं, जो भी कुरुक्षेत्र की संस्थाएं हैं, कुरुक्षेत्र का जो विश्वविद्यालय है इसमें भी एक 3 दिन की गीता संगोष्ठी ये भी उसमें होगी। ऐसे ही जो आसपास के स्थान हैं, यानी कुरुक्षेत्र के और आसपास के 48 कोस का एक एरिया है, इसकी परिक्रमा में अभी तक 134 स्थान ये पहले आते थे और अब से 30 नए स्थान इस बार पहचान किया गया है कि उन स्थानों को कहीं उस समय छूटे या नहीं उसका महत्व पता लगा, तो ऐसे वहां के स्थानीय लोगों को वहां का जो महत्व बताया है, तो ऐसे 30 नए स्थान भी हैं वो इस बार जोड़े जा रहे हैं, तो ये संख्या 164 हो जाएगी। और सब 164 स्थानों पर धीरे धीरे इन दिनों में कहीं 2 दिन, कहीं 3 दिन, कहीं 5 दिन, कहीं 1 दिन वहां भी इस प्रकार के कार्यक्रम हों, ताकि गीतामयी एक सारा वातावरण इन सब जो महाभारत से प्रभावित क्षेत्र रहा है 48 कोस का, उसके अंदर ये सब बने। सांस्कृतिक कार्यक्रम उनका भी आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर स्वदेशी और विदेशी सब कलाकार, खास करके पुरुषोत्तम बाग में जो ब्रह्म सौर में आजादी के अमृत महोत्सव आधारित जो भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, बहुत हर दिन सायंकाल के समय ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। हर दिन के कलाकार और उसका जो थीम है वो अलग अलग होगा, ताकि लोग उसको देख सकें, उसका आनंद ले सकें। संत सम्मेलन 12 दिसंबर 2021 को वो संत सम्मेलन होगा, जहां सारे देश के विदेश के संत समागम, यानी संतों के विचार, आखिर हर किसी व्यक्ति का, सिटीजन का अलग अलग प्रकार से गीता का अध्ययन करने का या गीता को ग्रहण करने का अलग अलग प्रकार होता है। उसी प्रकार से संतों ने जो इसके विवेचन किए हैं गीता के, उनके एक सम्मेलन के माध्यम से वो व्याख्यान भी होंगे और उससे भी हमें एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। गीता के जो सेमिनार, हवन, एक पाठ का आयोजन जैसे मैंने बताया ही है, वो सब होंगे लगातार 12 से लेकर 14 दिसंबर तक। महाविद्यालयों में गीता संसद का आयोजन 13 दिसंबर को, जितने महाविद्यालय हैं उन सब में संसद, गीता संसद का आयोजन करने के लिए कहा गया है, ताकि वहां के जो विद्यार्थी हैं वो गीता संसद के रूप में उस पर भी अपने विचार मय सेनाते से वो करेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान, 75 स्वतंत्रता सेनानियों का और उनके परिजनों का ये भी सम्मान किया जाएगा। 75 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इस बार ऐसा विचार किया कि ऐसे परिवार, 75 परिवार, हालांकि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों, यानी उनकी अपनी संख्या तो कम होती जा रही है, तो उनके जो परिवार हैं उनको सम्मान करने के लिए बुलाएंगे।